मित्रों, आज हम पतंग के पतले कागज से बहुत ही खूबसूरत फूल बनाएंगे। उनसे चाहें तो आप एक गुलदस्ता बना सकते हैं या एक बहुत ही सुंदर हेडबैंड बना सकते हैं। ये क्रश पेपर फ्लावर्स के लिए आपको 6 गोले चाहिए पतंग के कागज के, जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर का हो। इन 6 गोलों को आप इकट्ठा करें और उनको बीच में स्टेपल करके जोड़ दें। उसके बाद में आप स्टायरोफोम की एक छोटी सी गेंद लें और उसको बीचों बीच चिपका दें। फिर आप कागज़ की पहली तह को लेकर के अच्छी तरह से मोड़ दें, क्रश कर दें। फिर दूसरी तह को भी उसी तरह से क्रश करें। इस तरह से हर एक परत को एक एक करके आप इस तरह से क्रश करें। इस तरह से आपका ये मॉडल एक फूल का आकार लेगा। देखिए कितना सुंदर ये फूल लग रहा है, बिल्कुल प्राकृतिक फूल जैसा दिखेगा आपका। ये नीचे स्टेपल दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एक हरी स्ट्रॉकी या कागज़ की डंडी बनाएं, उसमें एक पत्ती चिपकाएं और ये देखिए आपका गुलाब का फूल टहनी और पत्ती के साथ में। कई सारे फूलों को इकट्ठा करके आप चाहें तो एक गुलदस्ता बना सकते हैं या फिर एक बहुत ही खूबसूरत हेयर बैंड बना सकते हैं।